हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10 चैप्टर 4 हमारा चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3। हेडिंग लिखिए फटाफट, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स का क्या मीनिंग है हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो रूट्स हैं, रूट्स का मतलब हो गया हमारे जीरोस बोल दीजिए या सॉल्यूशन बोल दीजिए, जिनको हमने अल्फा और बीटा से कहा था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। हमें देखना है कि इनका नेचर कैसा होगा। नेचर से क्या मीनिंग है, नेचर से हम इनके तीन क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला, क्या रूट्स इक्वल होंगे, क्या रूट्स डिफरेंट होंगे या रूट्स नॉन रियल होंगे। हम ये तीन बातें करेंगे, अभी वन बाय वन समझते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें जो एक्स की वैल्यू निकलती है उसका ये फॉर्मूला होता है, अल्फा और बीटा निकालने का ये फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अल्फा को आप ऐसे मान सकते हो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये रूट में रहेगा। और बीटा को हम ये कह सकते हैं, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये रूट में हो गया। इस तरीके से हम एक साथ दिखाते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस ले लेते हैं, अलग अलग करना हो तो एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो, ऐसे हमारे दो रूट्स निकल के आते हैं। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं इसको। ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये जो रूट में पड़ा है यहाँ पे, ये रूट पूरा होगा एक्चुअली, यहां तक रूट होगा। ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्लियर करता है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है जो यही बताता है हमें कि हमारे रूट्स का जो नेचर है वो क्या होगा। इसको हम चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर जीरो से बड़ा है, तो हम कहेंगे हमारे जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्या लिखेंगे हम, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिफरेंट डिफरेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट एक ही चीज होती है। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हो जाएगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो गया, ऐसा केस बन गया, तब क्या होगा, हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो रूट्स हो जाएंगे इक्वल। क्यों हो जाएंगे इक्वल, अभी समझाता हूं। देखो, हमारे अल्फा का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस डी अपॉन टू ए, और बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी माइनस डी अपॉन टू ए। ये जो डी है इसको मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये चीज देख रहा हूं मैं, इसको मैंने डी मान लिया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, रूट में ही ले लिया मैंने इसको एक बार के लिए। अब देखिए, आप मुझे बताइए, अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर डी की वैल्यू, ये पूरी चीज जीरो हो जाए, अगर डी जीरो हो जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस बी अपॉन टू ए, और बीटा की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस बी अपॉन टू ए। देखिए, क्या दोनों वैल्यू सेम बनी है क्या, ये भी माइनस बी अपॉन टू है, ये भी माइनस बी अपॉन टू है, यानी यहां दोनों रूट्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो रूट्स इक्वल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो से बड़ा होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा होता है, तो एक वैल्यू तो आएगी माइनस बी प्लस डी अपॉन टू ए, एक वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस डी अपॉन टू ए, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से छोटा हो जाए, यानी ये जो रूट के अंदर वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाएगी, तो रूट के अंदर कोई चीज नेगेटिव आती है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस वन को हम क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं, फिर ये रियल नहीं रहता। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको हम रियल नंबर नहीं मानते। तो ये अगर जीरो से छोटा आ गया, तो रूट में नेगेटिव आ गया, तो रूट्स जो हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो रियल नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। क्लियर, तीनों केस समझ में आ गया आपको अच्छे से। दोबारा से देखिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा है तो दो अलग अलग रूट्स होंगे, अगर जीरो के बराबर है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और अगर ये जीरो से छोटा रह गया तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आ रही उस पे डिपेंड करेगी। चलते हैं आगे, चलिए पहला एग्जांपल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। चलिए पहले तो इसका डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम डी बोलेंगे। तो यहां देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है,
पहले तो इसको लिखा 2x square minus 4x plus 3 equal to 0. इसको हमें कंपेयर करना है ax square plus bx plus c equal to 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई minus 4, c की वैल्यू आ गई 3. ये चीज समझ में आ रही, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 4, c की वैल्यू 3, ये वैल्यूज मिल गई. इन वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे. यहां पुट करेंगे तो b स्क्वायर करना है, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या बन गया, ये बन गया 16 माइनस 24, ये क्या बन गया माइनस का 8. b की वैल्यू माइनस का 8 आ रही है. क्या बताया था, तीन कंडीशन में से अगर पॉजिटिव आता है d तब दोनों अलग अलग रूट्स होंगे, अगर d जीरो आता है तो दोनों इक्वल रूट्स होंगे, और d अगर नेगेटिव आ जाता है तो नो रियल रूट्स. तो नेचर क्या होगा, नेचर क्या हो जाएगा हमारा रूट्स का, हम लिखेंगे नो रियल रूट्स. ये लीजिए हमारा क्या हो गया, बहुत सिंपल है, इक्वेशन है, इससे कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू निकालो, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी. यहां वैल्यूज रखिए, जो डी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, उस हिसाब से हम नेचर बता देंगे क्या होगा. क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर. देखिए पहले तो एक पार्क बनाइए सर्कुलर, ये सर्कुलर पार्क है और इसका डायमीटर हमें दे रखा है 13 मीटर. ठीक है, एक डायमीटर है 13 मीटर का. आगे क्या कहता है देखते हैं. इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी. देखिए एक गेट यहां पे लगा हुआ है, एक गेट यहां पे लगा हुआ है, दो हमारे पास गेट लगे हुए हैं. इन दोनों गेट से डिस्टेंस लेते हुए हम एक पोल इरेक्ट करेंगे, किस पे, बाउंड्री पे, सर्कल की जो बाउंड्री है वहां हमें एक पोल लगाना है. पोल इस तरीके से लगाना है कि उस जो पोल से गेट का डिस्टेंस है, ए और बी पे गेट है, वो जो पोल से जो गेट का डिस्टेंस होगा वो डिफरेंस जो है वो 7 मीटर होना चाहिए. मान लीजिए मैंने गेट यहां पे लगा दिया, ऐसे समझिए पोल जो हमारा है मान लीजिए वो यहां आ जाता है, इस P पॉइंट पे मान लीजिए मैंने पोल लगाया. तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इस P पॉइंट पे अगर पोल है और ये दोनों गेट है, तो P से इस गेट की डिस्टेंस से PA, इस गेट की डिस्टेंस से PB. उसका कहने का मतलब ये है PA और PB में जो है ना 7 मीटर का अंतर होना चाहिए. अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसका कहने का मतलब ये है कि PB और PA का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 7 मीटर का होना चाहिए. तो अगर मैं PA को x मान लेता हूं तो PB क्या हो जाएगा, 7 प्लस एक्स हो जाएगा. यही तो 7 का अंतर हुआ दोनों के अंदर, एक x है तो एक x प्लस 7 है, या एक x है तो एक x माइनस 7, कैसे भी हम लिख सकते थे, 7 का डिफरेंस आना चाहिए. तो ये लीजिए दोनों में डिफरेंस हो गया. अब हमें दिख रहा है ये डायमेट्रिकली अपोजिट है और इस तरीके से है, तो जो ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर से सर्कल पे कोई भी एंगल बनता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि डायमीटर सर्कमफेरेंस पे कोई भी एंगल बनाता है तो वो 90 डिग्री का होता है. तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एपीबी इक्वल टू 90 डिग्री. ये समझ में आ गया, क्यों है, क्योंकि डायमीटर ने एंगल बनाया है सर्कमफेरेंस पे तो वो हमेशा राइट एंगल बनता है, ये चीज हम जानते हैं. ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम लगाएंगे इसके अंदर पाइथागोरस. हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एपीबी हम क्या लिखेंगे, एपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर. ये समझ में आया आपको, पाइथागोरस, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो गया. एपी को हमने लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको लिखा है 7 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको लिखा है 13 का स्क्वायर. ये इक्वेशन बन गई है, इसको हमें सॉल्व करना है. तो देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169. इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, और इस सारी चीज को हम उधर भेज देते हैं, 49 उधर से माइनस करेंगे तो बचेगा 120. तो इधर ही कर लेते हैं, माइनस 120 इक्वल टू जीरो. पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड मार दो,
एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस 60 इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस, हमें x और 7 प्लस x की वैल्यू चाहिए। तो हम यहां लिख देते हैं, देखिए हमने PA को माना है x और PB को माना है 7 प्लस x, ये वैल्यूज हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी आपको, मिडल वाला जो है उसके इस तरीके के दो टुकड़े कर लो कि इसके अकॉर्डिंग आ जाए, याद आ रहा है कुछ ऐसा पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था। तो देखिए हमें सम चाहिए 7 और मल्टीप्लाई चाहिए माइनस 60, ऐसी दो चीजें ए और बी के बारे में सोचो कि ए प्लस बी करें तो 7 हो जाए और ए बी करें तो माइनस का 60 हो जाए। तो बताइए जल्दी से 7 का डिफरेंस और 60, तो 60 हो जाएगा हमारा 10 6 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 हो रहा है, यानी a को मैंने मान लिया 12, इसको मान लिया माइनस 5, 12 5, 12 में से 5 गया 7 और 12 इंटू माइनस 5 हो गया 60। तो इसको मैं लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 12 कॉमन आ जाएगा और एक आ जाएगा x माइनस 5 कॉमन, ये लीजिए जीरो। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, x की वैल्यू आ गई माइनस 12, x की वैल्यू आ गई 5, ये दो वैल्यू आ रही है x की। तो बताइए x की वैल्यू नेगेटिव में तो हम ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू पॉजिटिव में ही लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5, ये आंसर हमारा हो गया। तो इससे हमने देखा तो PA की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और 7 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगी। ये लीजिए दोनों डिस्टेंस आ गए, ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, और इससे हमारा पता चल गया कि ये जो पोल हमने गाड़ा है A से 5 मीटर की दूरी पे है और B से 12 मीटर की डिस्टेंस पे। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस x और x प्लस 7 मानना था, पाइथागोरस लगाना था, इक्वेशन बनती और इक्वेशन सॉल्व करनी आपको अच्छे से आती है, बस सॉल्व कर दो इसको, बहुत सिंपल है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। चलिए देखते हैं, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इस तरीके की चीज लिखी होती है तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेके सबको सेट कर दो, नीचे 3 है तो 3 एलसीएम लेके उधर भेज दो। ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू आ गई 9, बी की वैल्यू आ गई माइनस 6, सी की वैल्यू आ गई 1, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो डी होता है वो क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर लगाओ जल्दी से, माइनस 6 का स्क्वायर करो, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बताओ 9 और बी की वैल्यू बताओ 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो क्या बताया था, क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो नेचर क्या हो जाएगा हमारा, नेचर हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स, ये लीजिए हमारा नेचर हो गया। सिर्फ इक्वेशन को सही तरीके से लिखना है, फिर इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ वैल्यूज पुट करो, डी देखो क्या आ गया, डी अगर पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डी अगर जीरो है तो टू इक्वल रियल रूट्स, और डी अगर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, तीन ही केस है हमारे सामने। चलते हैं आगे। चलिए एक्सरसाइज 4.3 हमारे यहाँ से शुरू होती है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। चलिए पहली इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, कंपेयर किससे करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू बताइए माइनस 3, c की वैल्यू बताइए 5, ये हमारा क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए जल्दी से देखते हैं, बी स्क्वायर क्या, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, ये बन गया 9 माइनस 40, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 31। तो हम क्या लिखेंगे नेचर में,
अगर ये नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, अगर नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, पॉजिटिव आता तो रियल रूट होते अलग अलग, और अगर जीरो आ जाता तो दोनों सेम रूट आते। चीज क्लियर है, चलते हैं आगे। चलिए वापिस से सेम ऐसी इक्वेशन है, क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन लिख देते हैं 3x² - 4√3x + 4=0। कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0। ऑन कंपेयरिंग क्या मिला हमें, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। तो d का फॉर्मूला क्या हमारा, d का फॉर्मूला है b² - 4ac। जल्दी से b का स्क्वायर कीजिए, -4√3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, ये लीजिए, ये बन गया 16 × 3 = 48। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो क्या लिखेंगे, नेचर क्या हो गया जल्दी से बताइए, नेचर आ गया 2 = real√3। तो इक्वल भी है रियल भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -b/2a, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b/2a, क्योंकि d तो 0 हो गया यहाँ पे। तो लीजिए अल्फा की वैल्यू आ गई -b/2a कर लीजिए, तो ये हो गया माइनस का -4√3/2 × a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये बन जाएगा 4√3/2 × 3। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2/√3, बोल लो इसको, ये हमारा आंसर हो गया। तो अल्फा और बीटा दोनों सेम आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, या तो इसको आप 2/√3 बोलो, या √3 नीचे नहीं रखना चाहो तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम होती है। चाहे तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2√3 नीचे 3 बन जाएगा, ऐसे लिखो चाहे से, ये प्रॉपर तरीका है लिखने का। नीचे हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखते हैं, तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको जनरली, इसको हम प्रॉपर आंसर बोलते हैं, क्लियर। और ये भी छोड़ दो तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, 2x² - 6x + 3 = 0। कंपेयर किससे करना है, ax² + bx + c = 0। जल्दी से बताइए, ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, जल्दी से बताओ d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। जल्दी से बताओ b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, a है 2, b है 3, ये हो गया 36, ये हो गया 24। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 12 आ गई। तो नेचर क्या हो गया जल्दी से बताइए, हम लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दोनों रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब रूट्स अगर निकालना है तो जल्दी से बताओ अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b + √d/2a, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b - √d/2a। वैल्यू रखो, माइनस बी करोगे तो ये हो जाएगा 6 + √12/2 × 2, इसको काटा पिटी करके हम क्या लिख देंगे, ये 3, ऐसे नहीं कटेगा, यहां से मैंने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ये बनेगा 3 + √3/2 × 2, ये काट पीट के बन गया 3 + √3/2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 - √3/2। एक पता चल गया तो दूसरे में सिर्फ साइन ही चेंज करना है। ये लीजिए अल्फा और बीटा की वैल्यू, एक आप निकाल लीजिए ऐसे, ये 3 + √3/2 बना है तो यहाँ बस माइनस कर दीजिए, दूसरा अपने आप पता चल जाता है ऐसे, ठीक है। तो क्या किया हमने, देखिए दोबारा पहले कंपेयर के एबीसी की वैल्यू निकाली, फिर हमने डी निकाला, डी आ गया 12, डी पॉजिटिव आते हमें पता लग गया 2 रूट बनेंगे और दोनों रियल होंगे। अब डी पता है तो अल्फा का फॉर्मूला -b + √d/2a, ये है -b - √d/2a, इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, +√12/2√2 है, तो दोनों में से मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो यहां तो बचा 3, यहां 4 बाहर आ गया तो 2 आ गया, उसका बाहर निकल के 2√3 बना, वो 2 बाहर आ गया तो √3 बना, 2 से 2 कट गया 3 + √3/2, तो ये बन गया 3 - √3/2, बहुत सिंपल है।
चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। हमें इक्वल रूट्स बनाने हैं। पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूं। कंपेयर किससे करेंगे जल्दी से बताओ। ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू थ्री। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वल रूट्स होने के लिए क्या चाहिए जल्दी बताइए। फॉर इक्वल रूट्स डी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डी की वैल्यू जब जीरो आएगी तभी तो हम कहेंगे ना रूट्स इक्वल है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होना चाहिए। वैल्यू पुट करो जल्दी से, बी की जगह ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की टू सी की थ्री। क्या आ गया, के स्क्वायर इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 24 को क्या लिखेंगे हम, टू रूट सिक्स। ये लीजिए आपका k की वैल्यू आ गई। दोबारा से समझिए, पहले हमने इसको कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू निकाली। अब रियल रूट्स चाहिए तो रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। d होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जीरो होना चाहिए। तो वैल्यू पुट करी तो k की वैल्यू आ गई टू रूट सिक्स। चाहे तो हम यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। के की वैल्यू प्लस माइनस टू रूट सिक्स होती है, जनरली हम प्लस वाला ही लेके चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए वापस से इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको हमें कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू माइनस टू के और सी की वैल्यू सिक्स। अब हमें चाहिए रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी फॉर इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए हमारा डी होना चाहिए जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होना चाहिए जीरो। वैल्यू पुट करो जल्दी से, बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया फोर के स्क्वायर इक्वल टू 24 के, के से के कट गया, फोर के इक्वल टू 24, के की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स आ गई। ये लीजिए आपका सिंपल सा आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है। जो इक्वेशन है लिखिए सही से, कंपेयर कीजिए, एबीसी की वैल्यू निकालिए, इक्वल रूट्स के लिए डी जीरो चाहिए यानी बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो चाहिए, सॉल्व कीजिए, खत्म। बहुत सिंपल है, कोई माथा पच्ची नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द एरिया इज इतना। देखिए रेक्टेंगुलर बनाना है, ठीक है, देखिए ऐसा रेक्टेंगल समझिए, एरिया अपने को दे रखा है 800, ये लेंथ है, ये विड्थ है। ये क्या कह रहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए हमने बी को मान लिया एक्स, तो लेंथ कितनी हो गई 2x। हमें पता है एल इंटू बी, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वो दे रखा है 800, तो एक्स इंटू 2x की वैल्यू हो गई 800। ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू आ गई 20। तो लेंथ सॉरी विड्थ कितनी हो गई 20 और लेंथ कितनी हो गई 2x यानी कि 40। ये लीजिए आंसर, एक 20 हो गया और एक 40 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। देखिए दो फ्रेंड है ए प्लस बी, इनकी एजेस हमने मान ली 20। चार साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। चार साल पहले क्या होगा, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी, दोनों के चार साल पहले ये हो जाएगी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रखा है, 48 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। अब इसको हम सही से लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू एक्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आई, एक की एक्स है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। फिर लिखेंगे
फोर ईयर अगो, एज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस फोर, और एज ऑफ बी क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस फोर, तो इसको लिख देंगे 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब एज पर क्वेश्चन क्या हो गया, एज पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स माइनस फोर का मल्टीप्लाई कीजिए आप 16 माइनस एक्स है, जो कि होना चाहिए 48। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 16 एक्स माइनस 16, ये लीजिए ऐसा बन गया। इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ये समझने के लिए था। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू जीरो। अब सारे को मैं उधर भेज रहा हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, और ये हो जाएगा ये लीजिए, ऐसे इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, माइनस 20। ठीक है, हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए कि सम करें तो माइनस 20, मल्टीप्लाई करें तो 112। लाने के लिए हम क्या करेंगे, 112 किसका मल्टीप्लाई होता है जल्दी से बताइए, 112 के मैं फैक्टर कर लेता हूं। देखिए 112 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × ऐसा बन गया ये। देखिए डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 112, ये हो गया 400 माइनस, ये हो गया 448। तो देखिए यहाँ पे डी क्या है, नेगेटिव आ रहा है, डी अगर नेगेटिव आ रहा है ना, इसी वजह से क्या है कि इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही थी। क्यों, डी अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। तो जब रूट्स ही रियल नहीं होंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए हम लिखेंगे कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये क्या है सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इक्वेशन देखते ही ये नहीं कि सीधा सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले डी निकाल के देखो, डी अगर जीरो या पॉजिटिव आ रहा है तभी इक्वेशन सॉल्व होगी, अदरवाइज इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था, हम सिर्फ चेक ही नहीं किया हमने कि डी पहले चेक कर ले, तो पहले डी को चेक करना है, देन फिर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इतना, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। चलिए ये हम देखते हैं बनता है कि नहीं, ये एल और बी है, एरिया इसका 400 है, हमने लिखा पेरीमीटर होता है 2 × L + B, ये हमें दे रखा है कितना 80, तो एल प्लस बी कितना हो गया 40, तो हम लिखेंगे लेट एल इक्वल टू एक्स, तो बी क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हमें दे रखा है कितना 400, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, इससे इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू जीरो। हम यहाँ चेक करेंगे d क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए पहले d को चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारा 40 माइनस 4 × a की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू है 400, तो 40 × 40 करोगे तो 1600 माइनस 4 × 4 1600, 1600 में से 1600 गया तो कितना आ गया 0, d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 0 आ रही है, जीरो आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, डी अगर जीरो आ गया तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे, हम क्या लिखेंगे, नेचर क्या बन गया इसका, हम लिखेंगे टू रियल इक्वल रियल रूट्स, रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, रूट्स अगर इक्वल हो गए तो हमारा जो अल्फा है वो क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन 2a, तो बन गया 40 अपॉन 2,
यानी कि 20, यानी कि लेंथ उसकी बनेगी 20, विड्थ भी बनेगी 20। अब देखिए एल और बी अगर 20-20 बन जाते हैं तो क्या ये रेक्टेंगल बना क्या? ये भी 20 है, ये भी 20 है, तब तो ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल नहीं बना। तो ये पूछ रहा है क्या रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन पॉसिबल है क्या? तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ओनली क्या पॉसिबल है? ओनली स्क्वायर इज पॉसिबल। रेक्टेंगुलर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ क्या पॉसिबल है? स्क्वायर बनाना पॉसिबल है। 20-20 आ रहा है अल्फा बीटा, 20-20 से तो ये स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल नहीं बना, ऐसा हम कह सकते हैं। पर कुछ लोग क्या है कि स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल होता है ऐसा कहते हैं, उस पे नहीं जाना अपने को, तो लिखना है कि रेक्टेंगल नहीं बन रहा, स्क्वायर बन रहा है बस। ठीक है, तो कैसी लगी एक्सरसाइज कमेंट्स में जरूर बताना। थोड़ा सा इसमें क्या है, डी का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम डी चेक करेंगे, डी हमारा पॉजिटिव या जीरो आ रहा है तभी हम इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।